नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन आज भी एक ऐसा गांव है जहां पंचायत भवन में बने स्कूल में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत रेवापुर का। इस गांव में प्राइमरी स्कूल, पीडीएस दुकान और पंचायत का कामकाज पंचायत भवन में संचालित होता है। ऐसे में पंचायत भवन में संचालित प्राथमिक शाला में पहली से लेकर पांचवी के 54 नौनिहाल बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों के राशन लेने आने पर भीड़ की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वही पहले सिर्फ ग्राम सभा होने पर समस्या आती थी, लेकिन पीडीएस दुकान खुलने से समस्या और बढ़ गई है। यहाँ पर राशन बांटते हैं तो हल्ला होता है उसके लिए, और वो ग्राम सभा भी बैठते हैं उसके लिए। चावल वाल बांटते हैं तो बच्चे लोग नहीं पढ़ने के लिए बहुत हल्ला होता है, यहाँ पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। चावल बांटते हैं तो फिर बच्चे लोग पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, उधर खेलते रहते हैं। शिक्षिका का कहना है कि स्कूल के जर्जर होने के बाद 2016 से पंचायत भवन में स्कूल का संचालन हो रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में समस्या आ रही है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जिले में 50 ऐसे विद्यालय हैं जो भवन विहीन हैं। मामला संज्ञान आने के बाद जांच कराने और आने वाले शिक्षा सत्र में खुद के स्कूल भवन में स्कूल संचालित करने की बात कह रहे हैं। सर, यहाँ पे जैसे कि दिक्कत ये है कि जब जब यहाँ पे मतलब राशन बट रहा है तब तब हम लोग को दिक्कत हो रहा है, भीड़ भड़ाका हो जाता है, गाँव वासी लोग आ जाते हैं अंदर में, बच्चे लोगों को हम लोग को बैठाने में दिक्कत होता है, प्लस जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे लोगों का ध्यान उधर ही रहता है, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे जिले में 52 स्कूल जो हैं वो भवन विहीन है, तो अलग अलग जगह शालाएं लग रही हैं, और अभी अभी प्रस्ताव आ गया है नए, उसमें मरम्मत का और अतिरिक्त भवन का, तो उसमें ये सब चीज़ें अब उनका बन जाएगा और नए सत्र से क्लासेस स्कूल में लगेंगी। प्रदेश सरकार एक और स्कूली बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने, शासकीय स्कूल को प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर पढ़ाई कराने के कवायद में लगी है। वही पुराने प्राइमरी स्कूल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी ना होने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि नौनिहालों को स्कूल भवन मिलता है या इसी तरह पंचायत भवन में ही स्कूल, पीडीएस और पंचायत के कामकाज चलाते रहेंगे। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।